जोरदार तालियां बजाओ कि ये पूरा मैदान गूंज उठे। बच्चों ऐसी ताली बजाओ कि पूरा मैदान जोरदार तालियां। बच्चों विगत कई वर्षों से हमारा विद्यालय एनुअल और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग मतलब हार जीत होती रहती है लेकिन आप सभी लोग हर गेम में भाग लीजिए। कोई भी लड़का लड़की ऐसा ना रहे कि वह कोई गेम न खेले। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। और आपको एक मालूम है अपना विद्यालय श्री रघुवीर माध्यमिक विद्यालय पूरे मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में नंबर एक का विद्यालय है हमारा श्री रघुवीर माध्यमिक विद्यालय। और एक नारा है, क्या नारा है? ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। आवाज, मेरी आवाज तो आपसे जास्ती आ रही है। ईस्ट और वेस्ट,
लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैदान इन नारों से गूंज उठे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोनों हाथ उठाकर बोलोगे भारत माता की, भारत माता की। हमारे जो चीफ गेस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं, वे लोग अपने ही श्री रघुवीर माथुर, उनका परिचय कुछ ही समय में उन्हीं के हाथों इस एनुअल स्पोर्ट्स का उद्घाटन होगा। मैं डॉक्टर बी आर तिवारी, लोग हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, बस कुछ ही समय में हमारा यह एनुअल स्पोर्ट्स डे चालू होगा। आप सभी को ढेर सारी बधाई, और जो हमारे अभिभावक यहाँ पर आए हैं, मैं उनका, आप सभी लोग आए और अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन कराएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरा खरा अगर बिस्किट अगर है तो भीष्म सर जरा करवा दीजिए। तो सामने डस्टबिन है, खेलते वक्त अभी अपनी जगह पर ही रहें, उसके बाद जब बिस्किट खा लेंगे तो डस्टबिन में उसका पैकेट फेंक देंगे। हेलो हेलो बच्चों, ध्यान देना, बिस्किट खाने के बाद उसका पैकेट इधर उधर नहीं फेंकोगे, सामने डस्टबिन है उसमें डाल दोगे। और खेल के दौरान सभी लोग पानी पीते रहेंगे लगातार, खेलते इस बात का ध्यान रखना है। सभी बच्चे हर खेल में हिस्सा लेंगे, जितना हारना बात की बात है, लेकिन खेल में हिस्सा जरूर लेना है। सुरेश की टीचर स्वास्थ्य के लिए हेलो बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। बस हमारे स्कूल के दो गेस्ट आ चुके हैं, फिरवा नहीं होते आप लोग। और अगर कोई लड़का लड़की बाद में आ रहा है तो वह मंच से संपर्क करे अखिलेश सर से, और उसे बिस्किट अगर सबको मिलना चाहिए, कोई भी लड़का लड़की छूटे नहीं। सही विद्यार्थी एकदम साइलेंट रहो, सारी एनर्जी दौड़ में खत्म करना है। आर यू रेडी? ओके, मेक साइलेंस क्लियर। और उनके साथ में अगर आप लोग देखोगे बच्चों, मेरे ख्याल से अगर कोई यहाँ पर अभिभावक होगा तो उसे मालूम होगा, जो हमारे फाउंडर मतलब विद्यालय के शुरू से हमारे यहाँ पर पढ़ाते थे, और आज से हमारे बाबा सर श्री राम मनोहर यादव जी को जो सुपरवाइजर होकर रिटायर हुए हैं, वे यहाँ पर आ चुके हैं। उनके साथ रामलाल यादव, रामाधार सर आए हुए हैं। जोरदार तालियां बेटा, ये सभी विद्यालय की नींव है। और अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी जो चारों जन आ रहे हैं विद्यालय, साथ साथ आकांक्षा गुप्ता, अंजलि शशि कपूर और डी आर तिवारी जी भी हमारे बीच हैं। सभी चीफ गेस्ट आ चुके हैं, बस कुछ ही समय में हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है। सभी बच्चे शांति पूर्वक बैठ जाएं, अब हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हाथ ऊपर करके पूरा स्टेडियम गूंज जाए इस तालियों की गुनगुनाहट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे निहोर यादव सर,
असिस्टेंट हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल राम आधार सर और सुपरवाइजर राम लाल सर का आगमन हो चुका है। इसके अलावा हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी भी आए हैं जो गेस्ट के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और आपको प्रेरित करने के लिए कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, इसके अलावा स्पोर्ट्स तो है ही जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। ठीक है, अब हमारे गेस्ट के बीच आए हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग जोरदार तालियों से आज के प्रमुख अतिथियों और आए हुए अभिभावकों का जोरदार स्वागत करें। जोरदार तालियां बच्चों। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे महेंद्र तिवारी जी को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, बच्चों जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जो बच्चों आपको यह जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी 2009 में हमारे ही स्कूल से 10वीं पास हुए और यह जो है लातूर 2017 में BDS की पढ़ाई पास किए, बेंगलोर 2022 में MDS की पढ़ाई पास किए और आज जो है ओरल कैंसर डिपार्टमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई का जाना माना कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में, ओरल कैंसर डिपार्टमेंट में इस समय मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। जोरदार तालियां बच्चों इस महान व्यक्ति के लिए, इस महान भूतपूर्व विद्यार्थी रघुवीर विद्यालय के इस महान विद्यार्थी के लिए। और इन्होंने लोखंड वाले में अपना क्लिनिक डॉक्टर तिवारी डेंटल क्लिनिक के नाम से चालू किया है। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी समस्या हो तो यहाँ जरूर जाइएगा। हमारे दूसरे अतिथि हैं आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा गुप्ता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह मंच पर आए और मंच सेव करें। आकांक्षा गुप्ता जी 2017 में हमारे ही स्कूल से, रघुवीर स्कूल से 10वीं पास की, 2019 में 12वीं और इस समय वह जो है साइन मेडिकल कॉलेज मुंबई में सेकेंड ईयर BAMS की छात्रा हैं। जोरदार तालियां बच्चों। हमारे आज के तीसरे गेस्ट डॉक्टर अंजलि यादव, इन्हीं की सहेली, इन्हीं के साथ पढ़ी आकांक्षा गुप्ता, डॉक्टर अंजलि यादव साथ में 10वीं पास की है 2017 में और दोनों इस वक्त साइन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। डॉक्टर अंजलि यादव इस समय सेकेंड ईयर MBBS की छात्रा हैं। जोरदार तालियां बच्चों। अब बच्चों मैं उन अतिथियों के बारे में आपका परिचय कराता हूं, उन अतिथियों से जो इस विद्यालय की नींव रहे हैं। आज भले आप लोगों के बीच में वो स्कूल में दिखाई नहीं देते लेकिन यह विद्यालय उन्हीं के की देन है और जिनमें सबसे पहले मैं रामनिहोर यादव सर का परिचय कराता हूं, जो विद्यालय के भूतपूर्व सुपरवाइजर रह चुके हैं और इस समय हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। रामलाल यादव सर जो हिंदी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर रह चुके हैं और इस समय वह भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भूतपूर्व प्रिंसिपल राम आधार सर भी हमारे बीच इस समय मंच पर उपस्थित हैं। इन सब भूतपूर्व हमारे विद्यालय के आधार स्तंभ कहे जाने वाले शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बच्चों। आज यह विद्यालय उन्हीं की बदौलत चल रहा है, उनके आशीर्वादों के बदौलत आज विद्यालय खड़ा है। मशाल प्रज्वलित करने के लिए मशाल के पास आ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि वह मशाल प्रज्वलित करने के लिए नीचे आ जाएं थोड़े समय के लिए। मशाल मैं रामनिहोर सर से अनुरोध करता हूं कि वह मशाल प्रज्वलित करें और खेल का उद्घाटन करें। नारियल चलो बेटा सभी लोग जोरदार तालियां बच्चों। भूतपूर्व सुपरवाइजर विद्यालय के आधार स्तंभ रामनिहोर सर द्वारा मशाल प्रज्वलित किया जा रहा है।
थोड़ा सा जल जाने दीजिए इसके बाद। चले चले घुमा दो घुमा दो। आप लोग हाथ लगा दो साथ में चलो। खेल का उद्घाटन हो चुका है, जोरदार तालियां बच्चों। अब मशाल लेकर के हमारे विद्यालय के कुछ छात्र इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे और जब तक यह मशाल अपने स्थान पर नहीं आती तब तक आप तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। जोरदार तालियां बजाते रहो, जब तक मशाल नहीं रखते तब तक आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाते रहो। उत्साह इससे आप लोगों में उत्साह आएगा, खेल में जीत की उम्मीद बढ़ेगी। खाना वाना खा के नहीं आया, बोला था सलोनी बना के लाना ना, तो सलोनी बना के नहीं आया, मैं बिस्किट खा रहा। थोड़ा जोर से यार, थोड़ा जोर से, उन लोगों को भी दौड़ने में मजा आता है। उन लोगों को लगेगा बच्चे थक गए, मैं भी थक गया। तुम लोग की आवाज़ से वो लोग को एनर्जी आएगी और जोर से। और मसाल लेकर हमारे बच्चे पूरे मैदान का एक चक्कर लगाते हुए, और मेरे ख्याल से आप सभी लोग बेटा तालियों में कमी मत करो बेटा। यह मसाल जो जल रही है, जिस तरह से यह मिसाल जल रही है, मसाल अंधेरे में रोशनी दिलाने का काम करती है, उसी तरह से हमारा यह विद्यालय भी हमेशा इस मसाल की तरह जगमगाते रहे और तीन दुना रात चुगना तरक्की करे। जोरदार तालियां बजाओ, तालियां तालियां और जोर से तालियां, जोर से तालियां। 20 मीटर पहले आप लोग खाए नहीं हो, 20 मीटर को बताओ कि हम खाना खा कर आए हैं। जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करो जोर से और जोर से। इस सर के कानों में आवाज जानी चाहिए तालियों की, जोरदार तालियां आवाज के साथ और जोर से और जोर से। और मसाल अपने जगह पर पहुंचते हुए बच्चों, बस हमारा कुछ ही समय में हमारा यह एनुअल स्पोर्ट्स डे चालू हो जाएगा। मशाल अपने जगह पर आ चुकी है, अब हम अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वह अपने स्थान पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। अंबिका सर, डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बच्चों। हमारे आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी के लिए लोक सर, राजेश सर, सुनील सर और ब्रजभूषण सर से अनुरोध है कि वह मंच के पास ही उपस्थित रहें ताकि कार्यक्रम में डिले ना हो, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। आरती टीचर से अनुरोध है कि वह आज के अतिथि डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता द्वारा आकांक्षा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए अंजलि यादव जी को साफ और पुष्प देकर उनका स्वागत करें। हाँ, पहना दो, पहना दो। देखो ताली तो बजा देगा, तालियां तालियां बजाते रहो बच्चों। तुम्हारी तरह अपने अनुरोध करता हूँ कि वह डॉक्टर अंजलि यादव जी को पुष्प कुछ देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बच्चों जोरदार तालियां। हमारे डॉक्टर आज से कुछ साल बाद इस मंच की शोभा बढ़ाओगे, हम उम्मीद करते हैं। अब मैं अशोक सर से अनुरोध करता हूं कि वह विद्यालय के भूतपूर्व वाइस प्रिंसिपल राम निहोर यादव जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें, का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बच्चों। हमारे भूतपूर्व
वाइस प्रिंसिपल रामनिहोर यादव जी के लिए जोरदार ताली। अब मैं राजेश सर से अनुरोध करता हूँ कि वह रामलाल सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। राजेश सर हो रहा है। थैंक यू। हमारे भूतपूर्व सुपरवाइजर रामलाल यादव जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बच्चों। थक जा रहे हो अभी? इतनी जल्दी थक जा रहे हो? तो अभी तो पूरा खेल बाकी है, खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अब सुनील सर से अनुरोध है कि वह राम आधार सर जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सुनील सर, राम आधार सर जी का स्वागत। और अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाबा सर का स्वागत करने के लिए मैं ब्रजभूषण सर को आमंत्रित करता हूं। और इस समय स्टेज पर सुनील सर द्वारा राम आधार सर जी का स्वागत किया जा रहा है। तालियां बच्चों। सुनील यहां से पकड़। अब मैं ब्रजभूषण सर से अनुरोध करता हूं सर का उसको कुछ लेकर हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर जी के लिए जोरदार तालियां बच्चों। सभी बच्चे सारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब कुछ ही पलों में, अगले कुछ ही पलों में खेल शुरू हो जाए। अंदर बैठे हुए हैं और उनसे इलाज करवा लेना है। बीच बीच में पानी खूब पियोगे, पानी पीने में कमी बिल्कुल नहीं करोगे। अब हमारा खेल शुरू होने जा रहा है। लक्ष्मण जी सबसे पहले मैं थोड़ा सामान गिरा हटवा दीजिए। पांचवी के लड़के सामान को जो जिनका पहला खेल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह, सो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज मुझे जहां तक याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं एक बार इस मैदान में आया हूँ, उतना खेलने का मौका नहीं मिला। बट हाँ, हमने इंजॉय बहुत किया था। आई थिंक आई वॉज इन सिक्स और सेवन स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस वी हैव इंजॉयड अ लॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। And this is the stage from where you are going to become a doctor, engineer, pilot. अच्छा ओके सर। सो ये एक ऐसा मैदान है जिंदगी का जिसमें आप खेलोगे और बनोगे भी, ठीक है? सो मैं इतना ही बोलूँगा, हमने रघुवीर में बहुत मार खाई है, आप लोग भी खाओगे। सो मार जैसे सो मार नहीं होता, एक प्यार होता है। जैसे मम्मी बोलती है ना, उसको हाथ मत लगाओ जल जाओगे, तो मम्मी एक दो बार मारती है, बट हमको ऐसा नहीं, हम तो टच करेंगे। बट जब हम उसको छूते हैं, हम जलते हैं तो हाथ पीछे लेते हैं। तो मम्मी क्यों बोलती है हमको मत छुओ? क्योंकि मम्मी को पता है, मम्मी को वो हर्ट हुआ है पहले, ठीक है? तो यहाँ के टीचर्स, रघुवीर के टीचर्स आर द बेस्ट, ओके? आप कहीं भी जाओ बट रघुवीर के टीचर सर बोलते ना, ईस्ट और वेस्ट, रघुवीर इज द बेस्ट। सो ये सच है, अभी हमको नहीं समझ में आता बट बाद में ये चीजें हमको समझ में आती हैं। जो डिसिप्लिन, जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं या जो अनुशासन यहाँ पे है, वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प होती है। हम डॉक्टर बन गए हैं, आज भी हमें 2 बजे कॉल आते हैं, रात को 3 बजे कॉल आते हैं, इमरजेंसी कॉल आते हैं, हमको जाना पड़ता है, ठीक है? सो प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा यहाँ से सभी बच्चों से कि जो भी सर आप लोग को गाइड करते हैं या थोड़ा सा डांट फटकारते हैं, प्लीज़ उसको अमल कीजिए। मैं ये स्पीच एक छोटे से एग्जांपल पे ख़त्म करूँगा। एक बार क्या होता है ना, ताजमहल में बहुत से लोग फॉरेनर घूमने जाते हैं, ठीक है? सो ताजमहल जो नीचे स्पर्श होता है ना, वो भी मार्बल का होता है, और जो सामने एक मूर्त होती है वो भी मार्बल का होता है। सो मार्बल जो मूर्त है और जो नीचे फ्लोर है, उनमें बातें होती हैं। वो क्या बोलते हैं पता है क्या? जो मार्बल जो मूर्त होती है, वो मार्बल जो फ्लोर है उससे पूछती है कि यहाँ पे दुनिया के हर लोग आते हैं, हमें कोई नहीं देखता, बट जो हम
यहाँ पे दीवार पे या जो हम खड़े हुए हैं, जो मूर्ति बन गए हैं, उसको क्यों देखते हैं, लोग क्यों सराहते हैं? तो मूर्ति ने मार्बल से बोला, जब हमको छीनी हथौड़ी से मार रहे थे ना, तो हम रोए नहीं, हम टूटे नहीं। तो तुम टूट गए, तुम स्पर्श बन गए, हम टूटे नहीं, हम मूर्त बन गए। ठीक है, तो बस आपको मार फटकार मिलेगी, झेल लेना और मूर्त बन जाना, फर्श नहीं बनना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद सर, इतने लिए मुझे उम्मीद है कि आपकी बातों का असर हमारे बच्चों पर जरूर पड़ेगा। वह छिन्नी हथौड़ी के मार से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आज जो है मेडल घर पर लेकर जाएंगे। लेकिन हर शुभ काम के पहले प्रेयर जरूरी है, अतः सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं, सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि विद्यालय के प्रार्थना में शामिल होने के लिए अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं। सभी बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं ईश्वर की प्रार्थना के लिए और मन ही मन प्रार्थना करें कि आज ढेर सारा मेडल आप ही जीतो।
सभी लोग, सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब वह समय आ गया है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब खेल शुरू होने जा रहा है। अतः जो भी वॉलंटियर खाली हो जाए काम से वो सभी बच्चे खेल अच्छी तरह से खेलना है, जीतना है, घर पर मेडल लेकर जाना है। पांचवी की लड़की का 50 मीटर की दौड़, छठवीं की लड़की का टग ऑफ वॉर, सातवीं की लड़की का शॉट पुट प्रारंभ हो चुका है। पांचवी के लड़कों का 50 मीटर की दौड़, छठवीं के लड़कों का लॉन्ग जंप और सातवीं के लड़कों का कॉम्पिटिटिव रेस शुरू हो गया है। और सभी बच्चों को यह सख्त निर्देश है रुकावट पैदा नहीं करेंगे, ध्यान रहे बाकी क्रम से बाहर कर दिया जाएगा। सभी बच्चे बैग लेना हो या टिफिन खाना हो बैग के ऊपर से नहीं जाओगे, जहाँ खेल शुरू है वहाँ नहीं होना चाहिए। खासकर लड़कियाँ, छठवीं की लड़कियाँ जो रेसिंग शुरू है लड़कियों का वो ट्रैक पर से नहीं जाए, थोड़ा घूमकर सभी ग्रुप लीडर जरा ध्यान से सुने, सभी ग्रुप लीडर जो खेलने वाले बच्चे ध्यान रखें ना बैट।
सातवीं के हुए लड़के जो पोटैटो रेस खेल चुके हैं अपने स्थान पर ही बैठे रहे जब तक कि वह राय सर के पास, प्रदीप सर और हनुमान सर के पास पहुंचे। सातवीं की लड़कियों का 50 मीटर की दौड़ शुरू हो चुकी है। पांचवी की लड़कियों का बिना टीचर टगा और में थोड़ा देखिए, बच्चे बोल रहे हैं हमारी टीम में 8 सर सर सामने सामने तो ऐसा ना हो सेम इक्वालिटी भले मोटे पतले हैं तो उससे क्या लेना देना है। बिना टीचर थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों तरफ पहले काउंटिंग कर लीजिए जितने बच्चे हैं, ज्यादा ना होने। आठवीं ई एफ का एक स्टूडेंट ग्राउंड पे आया हुआ था अपने भाई से मिलने, वो मेरे पास आ जाए। चलिए भी पहना दीजिए सर। सर टीचर्स के लिए नाश्ता बढ़ गया, बबलू टीचर्स का नाश्ता बढ़ गया। हाँ बढ़ रहा है सर, बढ़ रही है, शुरुआत हो चुकी है। सभी टीचर्स वड़ा पाव वगैरह ले लेंगे, नाश्ता करते रहे, पानी भरपूर पीते रहे, नहीं तो कल बीमार हो सकते हैं। नाश्ता बांटने के लिए अशोक सर और कुछ वॉलेंटियर गए हुए हैं, आपके पास आ जाए। सातवीं की लड़कियाँ जो शॉर्ट पुट में जीती हैं, इनको रिलीज कर देना बीच बीच में, ताकि वीडियो मोबाइल से भी ले सकते मोबाइल। और सर आप ही अकेले मेडल मत दीजिए, दूसरे टीचर्स को भी लेते रहिए, दूसरे टीचर्स को भी फोटो खिंचवा दीजिए। टीचर्स अवेलेबल अंबिका सर हैं, ओम प्रकाश सर हैं, सुरेश सर, कपिल सर, इन सबको भी हेल्प लीजिए, फोटो खिंचवा दीजिए। सर 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 अखिलेश सर को भी ले लीजिएगा, सामने यार रेडी चलो। थैंक यू बॉल के लिए तुरंत पहुंच जाए। पांचवी के लड़कों का लॉन्ग जंप, छठवी के लड़कों का पोटैटो रेस और सातवीं की लड़कियों की 100 मीटर की रेस चालू है।
के लड़के पोटैटो रेस के लिए और सातवीं के लड़के 100 मीटर की दौड़ के लिए पहुंचे। खेल के दौरान अगर किसी बच्चे को कोई चोट आती है, खरोच आती है, गिरता है, कहीं मार लगती है। सर 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 स्टेज के पास अपने मैदान को गंदा करते रहना है, मैदान गंदा रखना है, यस ना, मैदान गंदा रखना है, तो कचरे को कहाँ फेंकोगे? पोटैटो रेस के बिना रवि रंजन बच्चे लक्ष्मीकांत महतो, आदित्य विश्वकर्मा, आयुष जायसवाल मेडल आगे रखो। लक्ष्मीकांत महतो, आदित्य विश्वकर्मा, आयुष जायसवाल, जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पर तीनों बच्चे तुरंत पहुँचे। कुछ लड़कों को मैं देख रहा हूँ, मस्ती कर रहे हैं। मेडल सब लोग आगे रखो सर, ऐसे साइड में आ जाए। अगर जो फेंकेगा तो सातवीं की लड़कियों की 50 मीटर की रेस चालू है। पांचवी के लड़कों का लॉन्ग जंप, छठवीं के लड़कों की पोटैटो रेस और सातवीं के लड़कों की 100 मीटर की रेस कंप्लीट हो चुकी है। राय सर, सातवीं के लड़कों का 100 मीटर का रेस खत्म। हनुमान सर, 100 मीटर की रेस खत्म। साथी के लड़कों की अभी चल रहा है। अच्छा, वहाँ खड़े ठीक है। जो बच्चे मैदान में बिना कारण दौड़ रहे हैं, गुड़िया लंगड़ी नहीं खेली, लंगड़ी कहा तुम लोगों ने? छठवीं के हुए लड़के हैं, लगा पिटिया लगे ऐसे कर रहे हैं, ऐसी कर रही है, हुए अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम छठवीं ए इंग्लिश मीडियम सूरत यादव, छठवीं ए इंग्लिश मीडियम अनुराग राम सूरत यादव मेरे पास आ जाए तो ये बताइए के टीम की लिस्ट मेरे पास है, ले ले। सातवीं इंग्लिश मीडियम ये है तेरा हिंदी के लड़कों का पोटैटो रेस शुरू होने वाला है। सातवीं के लड़के, सातवीं के सभी लड़के लॉन्ग जंप के लिए प्रमोद सर, राजेश सर और गुप्ता सर के पास पहुंचे। ये बेटा ये पीछे रहा, पीछे रहा, पीछे रहा। बच्चे मैं तो नहीं पहचान, कौन निकलेगा, कौन निकलेगा? एक धक्का दो टीम निकले, स्टार्टिंग के तीन
लड़कों का 50 मीटर के दौड़ और वसीम खान नाम का लड़का, वकील खान नाम का लड़का, 1 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है रेस के लिए, पहुंचे तो ठीक नहीं तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वकील खान जंप के लिए पहुंचे, छठवीं के लड़कों की 50 मीटर और पांचवी लड़कों की पोटैटो रेस स्टार्ट हो चुकी है। ये छोटू पीछे रहा, अरे हट रहे ये बेटा, ये साइड है, थोड़ा पीछे चलो, पीछे पीछे ना पीछे, बस 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 ए भाई पीछे चल रहा है, देखो ए बैठो, ए भाई कहीं जाना नहीं है, चल बैठो, चल बैठो यहां पर, ए सब बैठो, गुड ए बेटा ये पीछे रहो, क्यों हीरो बन रहा है, पीछे रहो, ए सब बैठो उधर, ए जो नीचे रहेगा, ए कोई उठेगा नहीं, जो नहीं बैठा वो ये दे दे, दे दे उसको, उसको दे दे, ये था भी नहीं है, ये एक बार दे दे, ये नीचे बैठा भाई, ये भी है, इधर है, ये जय श्री राम, ए नीचे बैठे, नीचे बैठ, ए बैठ नीचे, नीचे बैठे, आगे लोग नीचे बैठना, साले जीता भी आज जीतो ना, ए ये है ये भी, 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 ये भी
बोला तो सर मुझे फिर चलो अरे लड़का ये पीछे 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 ये शुरू हो चुका है। छठवीं के लड़कों का 50 मीटर टीचर्स दौड़ते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश बारहवीं के लड़कों का जो बच्चा शेर नहीं दिया उसी को जीता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं होना है, जो बच्चा नेचर में जीत रहा है उसी को जीता भी है। सारे काम का पक्षकार देखना हमारे सबके बच्चे ही की हमें मीडियम से कोई लेना देना नहीं। हिंदी मीडियम का जीता है उसका भी वेलकम, इंग्लिश मीडियम का जीता है तो उसका भी वेलकम है। हर अपनी स्कूल का बनेगा हीरो। सातवीं के लड़कों का लॉन्ग जंप और पांचवीं के लड़कों का ये हीरो ये दू बार माना के मारूंगा कान के नीचे भी। छठवीं के लड़कियों का 50 मीटर की दौड़ और पांचवीं के लड़कियों का शॉर्ट पुट चालू। ए हीरो इधर आ इधर आ इधर आ देख रहा है ना चालू है। सारे गेम अनाउंस के खाना खाते रहो पानी पीते और डीजे बजाते रहो।
बजाते रहो। सुग्रीव सर, सुग्रीव सर। बढ़िया फर्स्ट क्लास। सातवीं की लड़कियां पोटैटो। इधर देखो, इधर इधर। सातवीं की लड़कियां पोटैटो। लॉन्ग जंप के लिए जो दौड़ में हिस्सा ले चुकी हैं वो लॉन्ग जंप के लिए के लड़के शॉर्ट फुट के लिए नेट के पास जाली लगा है ना वहां चलिए। सिक्स वालों का लॉन्ग जंप, छठवीं की लड़की का लॉन्ग जंप पहुंच जाओ वहां पे, टीचर पहुंच रही है। छठवीं की लड़की का लॉन्ग तो छठवीं की लड़कियां लॉन्ग जंप के लिए रेडी। एक नाम आया ना सर।
जो आया खेला किसी का वेट मत करिए, दो रस्सी दे दो, दो रस्सी ले लीजिए, हां मतलब तुरंत करिए किसी भी टीम में खेलने के लिए दो बता दीजिए। अब हर से बैठने वाला और से पांच मिनट बाद दूसरे को लगा, हां ये तो छह, अरे छह वाले को ले ले, छह दो मिनट की भी लेट करोगे तो डिस्क्वालीफाई, तुम्हें टाइम दे ए बराबर नहीं है। अंधे जैसा तुम लोग घूमती है। ओ पीछे का पैर, पैर पीछे पीछे। सातवीं की लड़की आराम कर रही है। शुरू हो चुका है। पांचवीं की लड़की का लॉन्ग जंप शुरू है। को लिए आज
मैडम 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 साइड Yeah.
पीछे चल दो ये छोटू है Thank you.
Thank you.
ए छोटू सभी लड़के लड़के आ गए। दो बच्चे स्टेज के सामने, उनका भी खेल बात अभी डांस कर रहे हैं। पाँच पीछे रह रही है सभी लड़के लड़कियां शूटिंग कर रही हो क्या? हो गया, एक बार एक हिस्सा ले चुके हैं। दो हाथ का इस्तेमाल मत कर, एक हाथ का, एक हाथ का। बहुत अच्छा कोशिश किया। दो लड़के इधर उधर हैं वॉलंटियर, तो उनको ग्राउंड में भेजें। दो लड़के इधर उधर बैठे हैं। मैं नहीं रुकेगा लकड़ी से, लकड़ी से नहीं रुकेगा। अरे चलो बैग लेकिन डबल डबल था ना, दो जगह क्यों चालू किया? ये देख 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 अरे ये बीच में आओ जाओ मत। अरे रुक भाई, देखे अरे बीच में आ रहे पागल है क्या? रुके मॉडल जाने का नहीं, ये खाना मतलब मीडिया उसमें चला तो पहले